नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। चलिए सिलसिला वही आगे बढ़ाते हैं जो इस टाइम आपके साथ हम वीडियो शेयर करते हैं। जी हां, बिग बॉस 1 से लेके 13 तक की होती है चर्चा। आज चर्चा में क्या होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, मगर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। तो बात आगे बढ़ाते हैं और आज बात करेंगे हम बिग बॉस 1 से 13 तक के शरीफ जादों की, यानी कि कौन थे जो शरीफ रहे और कुछ उनमें से शो जीते हैं मगर कुछ नहीं जीत पाए, तो उनकी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सीजन 1 से। जी हाँ, सीजन 1 में एक ही शरीफ ज्यादा मुझे लग रहा है जिसने शो को जीता। देखने में भी शरीफ थे और उनके काम भी शरीफों वाले ही थे, ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं किए, बात की तो मुद्दे की बात की और अपनी बात पे अड़िग रहे। जी हाँ, बात कर रही हूँ राहुल रॉय की। राहुल रॉय लगते हैं सीजन 1 के शरीफ ज़ादे। सीजन 2 में कॉमेडियन आए थे, स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, बहुत ही बढ़िया कॉमेडियन थे, उनका नाम था एहसान कुरैशी। एहसान कुरैशी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, अपनी बातों से, अपने चुटकुलों से, अपनी जो हास्य वाली कविताएं सुनाते हैं उनके थ्रू लोगों का दिल जीतने की, मगर ये मंच जो था वो कुछ और तरह का मंच था जिसमें हास्य दिखाने के साथ साथ और बहुत सारी चीजों को भी दिखाना पड़ता था, मगर ये बहुत ही शरीफ रहे इस घर के अंदर और बहुत ही शराफत के साथ घर से बाहर भी चले गए। सीजन 3 में फिर से राजू श्रीवास्तव, इनकी बात करूंगी मैं। राजू श्रीवास्तव जिन्होंने बहुत ही नाम कमाया है स्टैंड अप कॉमेडी में, आज भी अगर स्टैंड अप कॉमेडियन की बात होती है तो राजू श्रीवास्तव की बात जरूर होती है, आज भी उनका नाम जाना माना नाम है। तो राजू श्रीवास्तव सीजन 3 में आए थे, इनकी शराफत की तो क्या बात करनी, क्योंकि ये जब भी बात करते थे उसमें लड़ाई जैसी तो कोई बात होती ही नहीं थी। सोचते थे शायद हंस खेल के दिन बिताएंगे, मगर ये दिन ज्यादा बिता नहीं पाए घर के अंदर। काफी अच्छा खेले, अमिताभ बच्चन के साथ भी काफी अच्छी इनकी टॉक रहती थी, जिस तरह से अमिताभ बच्चन साहब इन्हीं की भाषा में बातें करते थे ये भी रिस्पॉन्ड बैक करते थे, कभी कभी अमिताभ बच्चन साहब की नकल भी करते हुए दिखाई देते थे उन्हीं के सामने। तो राजू श्रीवास्तव काफी शराफत के साथ खेलते रहे मगर ये ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए। तो राजू श्रीवास्तव है सीजन 3 के शरीफ ज़ादे। सीजन 4 में एक एक्टर आए थे जिनको आज भी आप देख सकते हैं फिल्मों में, टीवी में, सीरियल्स में काफी आते हैं, उनका नाम है समीर सोनी। समीर सोनी काफी पॉजिटिव रोल करते हुए दिखाई देते हैं, हीरो मटेरियल टाइप है और काफी शरीफ हैं देखने में, मगर बिग बॉस में आके असली शराफत का पता चलता है कि शरीफ है कि नहीं है। मगर समीर सोनी ने अपनी शराफत का झंडा गाड़ा बिग बॉस 4 में और बहुत ही शराफत से उन्होंने गेम को खेला। लड़ाई झगड़े थोड़े बहुत सबके साथ ही होते हैं क्योंकि ये खेल ही प्रोवोकेशन का खेल है और वो हुआ भी, मगर हम अगर शरीफों की लिस्ट में रखते हैं तो समीर सोनी को भी रखेंगे। सीजन 5 में आई थी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। जी हाँ, LGBT कम्युनिटी से थे और इन्होंने इस सीजन में जिस तरह से अपने आप को प्रूव किया, जिस तरह से इन्होंने दिखाया कि कैसे मसलों के साथ डील किया जाता है, अपनी स्ट्रगल की बात की और पूरी तरह से शराफत की जो हम मिसाल दे सकते हैं तो इनको देख के दे सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा सोशल वर्क भी किया हुआ है। तो काफी शराफत से घर के अंदर रही, अपनी बातें कही जरूर मगर वो भी शराफत से ही कही, बट कभी कभी गुस्सा सबको आता है, इनको भी आया। अगर हम शराफत की बात करें तो सीजन 5 की लक्ष्मी को हम जरूर इसमें शामिल करेंगे। सीजन 6 में आए नवजोत सिंह सिद्धू। जी हाँ, इनको जरूर शराफत का हम तगमा देते हैं क्योंकि ये हंसते खेलते गेम को खेल जाते हैं, जैसे क्रिकेट में खेलते हैं वैसे बिग बॉस में भी इन्होंने खेला। ज्यादा लंबा नहीं खेल पाए, इनको किसी इमरजेंसी की वजह से जाना पड़ गया, मगर जितना भी खेला बहुत ही शराफत से खेला। तो नवजोत सिंह सिद्धू सीजन 6 के भी हैं इसी लिस्ट में। सीजन 7 जो बहुत ही हिट सीजन था, इसमें आई थी प्रत्युषा बनर्जी, बालिका वधू की
बालिका। जी हाँ, इन्होंने सीजन खेला, बहुत ही शरीफ और बहुत ही शक्ल से तो वैसे बहुत शरीफ लगती है, बट इन्होंने यहाँ पे भी लोगों का कहना माना, कई बार इनके ऊपर एलिगेशन भी लगे कि तुम लोगों की बातों में आती हो, ये सब चीजें इनके ऊपर हुई। और इनके साथ साथ एक और इस सीजन में शरीफ ज्यादा थे, वो थे संग्राम सिंह। जी हाँ, रेसलर संग्राम सिंह, जिन्होंने सीजन को काफी लंबा खेला, मगर ये शरीफ थे, आवाज रेज करने की कोशिश जरूर करते थे मगर कोशिश ही रह जाती थी, उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई जिस लेवल तक बाकी यानी कि अरमान कोहली एंड पार्टी पहुंचती थी। तो ये दोनों हैं सीजन 7 के शरीफ ज़ादे। सीजन 8 में आई थी दीप शिखा नागपाल। जी हाँ, ये हीरोइन रही हैं, काफी सारी फिल्में कर चुकी हैं, सीरियल्स भी कर चुकी हैं, और इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने तो सीजन में जैसे कुछ हफ्ते खेला बट एंड में इन्होंने गिव अप कर दिया था। इन्होंने ये कह दिया था कि ये मेरे बस का रोग नहीं है, जिस तरह से लोग एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को बेइज्जत करते हैं, वो मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, तो ये इनका कहना था। तो दीप शिखा है सीजन 8 की शरीफ जादी। सीजन 9 में रोशेल राव। रोशेल राव को आपने कपिल शर्मा के शो में भी देखा होगा, देखने में भी काफी शरीफ लगती हैं और वैसे हैं भी, क्योंकि एक तो इनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, हिंदी नहीं आती थी, और जिस तरह से इन्होंने ये शो खेला और काफी लंबा खेला, इनकी लव स्टोरी भी बनी शो के अंदर, और अपनी बातें फिर भी लैंग्वेज ना आने के कारण भी कहती थी बट बहुत ही शराफत से खेलती थी, कुछ ज्यादा इन्होंने पंगे नहीं लिए घर के अंदर। तो रोशेल राव है सीजन 9 की शराफत की पुतली। सीजन 10 में राहुल देव आए थे, जिनको आप कह सकते हैं कि ये शरीफ कहां से हुए, ये तो बदमाशों का रोल करते हैं, फिल्मों में ये विलन बन के आते हैं, मगर ये एक्चुअली शरीफ ज्यादे थे, ये बात हमें बिग बॉस में ही पता चली, क्योंकि राहुल देव जो है वो ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे और इनको गुस्सा आता था जब कोई अननेसेसरीली दूसरे के साथ झगड़ा करता था या जानबूझ के फुटेज लेने के लिए झगड़े करवाता था और खुद उसमें शामिल होता था। तो राहुल देव इन बातों को हमेशा अपोज करते हुए दिखाई दिए सीजन 10 में। तो ये है सीजन 10 के शरीफजादे। इनके साथ साथ जिन्होंने सीजन जीता था, सीजन 10 की ट्रॉफी जीती थी, वो थे मनवीर गुर्जर। जी हाँ, मनवीर गुर्जर तो काफी ज्यादा उनकी शराफत की बातें हुई, क्योंकि एक तो वो कॉमनर की कैटेगरी में आए थे और कॉमनर की कैटेगरी में आके जिस तरह से उन्होंने अपना रुतबा बनाया था, जिस तरह से उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बनाई थी, वो एक ऐसा करेक्टर ही बना सकता है जिसमें शराफत घूट घूट के भरी हो। उन्होंने सबकी रिस्पेक्ट की, सबसे प्यार से पेश आते थे, मगर टास्क बहुत अच्छे करते थे और जब किसी को टक्कर देनी होती थी तो वो भी देते थे, मगर शराफत का पलड़ा इन्होंने नहीं छोड़ा। सीजन 11 में भी 3 लोग थे जिनको हम शराफत की कैटेगरी में रख सकते हैं। एक थे LGBT कम्युनिटी अगेन सभ्य सांची, उन्होंने भी सीजन को बहुत ही ठहराव के साथ खेला, बहुत ही प्यार के साथ खेला, उनकी भी काफी टांग खींची गई, काफी बार उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया गया कि ये इधर की बात उधर करते हैं, मगर वो उन बातों को सुनकर भी शराफत से ही पेश आते थे और कभी कभी झगड़ा भी करते थे बट उसमें भी वो गाली गलौज जैसी बातों में नहीं जाते थे। और दूसरे शरीफजादे थे हितेन तेजवानी। हितेन तेजवानी पे तो लड़कियां मरती थी, किस तरह से अर्शी खान ने एकदम से ये शो कर दिया था कि मैं तो हितेन तेजवानी से शादी करूंगी, चाहे मजाक मस्ती में था मगर काफी फ्लर्टिंग करती थी अर्शी खान हितेन तेजवानी से, और हितेन काफी प्यार से काफी ज्यादा संभल के चीजों को जवाब देते थे, बहुत ही मेच्योर लेवल पे बातों को समझते थे, और जब शिल्पा शिंदे ने इवन उनको एविक्ट कर दिया था तब भी उन्होंने उस चीज को दिल पे नहीं लिया, बहुत ही तरीके से अपनी बात को कहा और घर से निकल गए। तो हितेन तेजवानी भी शराफत की कैटेगरी में आते हैं। और एक और लड़की थी ज्योति कुमारी, वो भी बहुत ही शरीफ थी, उनको ज्यादा बातें बनानी आती नहीं थी इसलिए जल्दी चली भी गई, मगर उनकी शराफत की वजह से सारे घर के लोग उनको बहुत प्यार करते थे। तो ये थे सीजन 11 के शरीफ ज़ादे। सीजन 12 में जो शराफत के पुतले थे वो थे करणवीर वोरा। जी हाँ, केवी। केवी को लोगों ने बहुत प्यार दिया, केवी जिस तरह से अपनी बात जो थी दूसरों तक पहुंचा देते थे, कह देते थे, उनको लोग बेवकूफ की कैटेगरी में भी डालते थे कि इसको समझ नहीं आती है ऐसा है, और सलमान खान भी काफी उनकी टांग खींचते थे, काफी बार उनके साथ मजाक मस्ती करते थे। ये मजाक मस्ती इस लेवल तक बढ़ गई थी कि उनकी वाइफ ने चिट्ठी तक डाल दी थी सोशल मीडिया पे कि ज्यादती हो रही है मेरे हस्बैंड के साथ,
केवी के साथ, मगर केवी ने तब भी अपनी शराफत का जो साथ नहीं छोड़ा और सलमान खान से भी सॉरी फील किया कि अगर मेरी वाइफ की वजह से कोई दुख हुआ हो। तो ऐसे थे केवी सीजन 12 के। इनके साथ साथ एक और करेक्टर थी, एक और ही बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल मैडम थी, उनका नाम था नेहा पेंडसे। नेहा पेंडसे ने बहुत कोशिश की अपनी शराफत की जो लकीर पार करने की, मगर वो नेचर से शरीफ है तो वो ऐसा नहीं कर पाई, वैसे झगड़े नहीं कर पाई, वैसी प्लानिंग। तो नेहा पेंडसे है सीजन 12 की दूसरी शराफत की पुतली। जी हाँ, सीजन 13 में तो मुझे तीन ही लोग दिख रहे हैं जो कि शराफत की लिस्ट में आते हैं। एक दलजीत कौर, जो बहुत ही मैच्योर लेडी रही, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को लिया घर के अंदर, जैसे अपने बच्चे को लेकर उन्होंने बात को कहा, और उनकी जो जर्नी थी बहुत छोटी थी, शायद इसलिए छोटी रह गई क्योंकि वो अपनी उस चीज़ में नहीं आ पाई या उनके अंदर वो था ही नहीं, वो लड़ाई झगड़े वाला जो उन्होंने क्रिएट भी किया थोड़ा सा, बट उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाई क्योंकि जो चीज़ अंदर नहीं होती है उसको बनाया नहीं जा सकता है। तो जो अंदर से लड़ाकी या ऐसा कहें कि नहीं थी तो वो नहीं कर पाई, तो शराफत की लिस्ट में उनको जरूर रखा जा सकता है। फिर खेसारी लाल यादव, बिहार के बाबू, उन्होंने भी काफी कोशिश की कि वो शरीफ ना दिखे, मगर वो शरीफ थे इसलिए शरीफ ही दिखे और ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं कर पाए। उनको काफी कहा गया कि कुछ करो भाई, वो नहीं कर पाए। और साथ में जिसने सबसे ज्यादा दुहाई डाली थी कि मैं लॉयल नहीं हूं, मैं ऐसी नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं, मैं फ्लिप करती हूं, उसको हम शराफत की कैटेगरी में डाल सकते हैं क्योंकि वही सबसे ज्यादा शरीफ होता है जो अपनी कमियों को भी माने और अपनी कमियों को शेयर करे, दूसरों को बताए। तो वो थी शहनाज कौर गिल, जो शक्ल से भी इनोसेंट थी और उनकी जो बातें थी वो भी इनोसेंट थी और जैसे उन्होंने खेल खेला वो भी इनोसेंट था, तो उनको भी हम शराफत की लिस्ट में डालते हैं। तो दोस्तों ये सब थे शराफत के पुतले बिग बॉस सीजन 1 से लेके 13 तक। ऐसा हम नहीं कह सकते कि बाकी लोग शरीफ नहीं थे, बाकी लोग भी शरीफ थे, मगर उनको गेम को कुछ और तरीके से खेलना आता था। तो ये है सारे 1 से लेके 13 तक के। आप इसे सहमत है नहीं सहमत है कमेंट करके बताइएगा और बने रहिए हमारे चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।